बात उन दिनों की है, 1995 में हम प्रीलिम्स दे रहे थे सिविल सर्विसेज, ऑप्शनल सब्जेक्ट था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1968 का मुंडो बुक सम्मेलन पहला हुआ, उसमें द्वितीय मुंडो बुक सम्मेलन पूछा, उससे जुड़ी कुछ जानकारी भी थी। हम थोड़ी देर तक तो ये कंफ्यूज रह गए कि यार यूपीएससी ने लिखा है द्वितीय मुंडो बुक सम्मेलन, जबकि मुंडो बुक सम्मेलन तो एक ही हुआ है। तो हम यूपीएससी को ही बोले कि ये पेपर गलत बना दिया है, प्रथम एक ही हुआ है मुंडो बुक सम्मेलन। ये बात मैं 1995 की बता रहा हूं, 1968 में मुंडो बुक प्रथम सम्मेलन हुआ, 1988 ठीक 20 साल बाद दूसरा मुंडो बुक सम्मेलन, और तीसरा मुंडो बुक सम्मेलन भी 2008 में हुआ। कहने का मतलब है कि 1988 में मुंडो बुक सम्मेलन जो दूसरा हुआ उसकी जानकारी हमें 95 तक नहीं थी, और हमने यह मान के आए कि ये कमीशन ने ये गलत कर दिया। तो हमने प्रथम मुंडो बुक माइनस मार्किंग वगैरह तो इस टाइम थी नहीं, प्रथम मुंडो बुक सम्मेलन के हिसाब से जो हम समझ में आया जैसा हमने जो घटा के, अब ये नहीं मालूम कि सही था कि गलत था, हमने उत्तर किया उसे, लेकिन यह मान करके कि यह प्रश्न गलत। और जब हमने उसकी खोजबीन की तो द्वितीय मुंडो बुक सम्मेलन मिला 1988, यानी 95 तक और 1988, 7 साल पहले के सम्मेलन का हमको पता ही नहीं था कोई सम्मेलन हुआ, तो वह पेपर बताया कि द्वितीय मुंडो बुक सम्मेलन हुआ। यही यूपीएससी का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक प्रभाव भी है, जो बताता है कि आप कितने अभाव में जब आप उसके प्रश्नों को देखते हैं। यही संविधान दिन रात रटते हैं, और जब यूपीएससी के सवाल में जाते हैं तो बताता है कि आप कितने बड़े अभाव में। यही अर्थव्यवस्था आप दिन रात पढ़ते हैं, जब उसके प्रश्नों में जाते हैं तब पता चलता है कि अरे आपके पास तो बहुत अभाव है, और इतना अभाव होता है कि आप दम भर करके, यानी चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंटिफिक हो, करंट अफेयर हो, या सब्सिडी और भी है ना, जो भी आसपास की जानकारी है, सब इकट्ठा करके बड़े दम भरते हैं, पूरी तैयारी। वहां जाते हैं 35 सवाल भी सही नहीं कर पाते, इतने में तो खैर होता ही नहीं है। और जब सवाल सामने आते हैं, उसके पूछने का तरीका सामने आता है, तो लगता है यार कि हम इतने प्रभावशाली प्रोफेशन में थे और इतने अभावग्रस्त हैं हम। मतलब अगर आपका एक्सरे किया जाए, एमआरआई किया जाए, तो कोई रोग नहीं निकलता है, लेकिन खाना खा रहे हैं लेकिन लग भी नहीं रहा है शरीर को। ये यूपीएससी का मतलब यही होता है, स्कैन करा लीजिए, एमआरआई करा लीजिए, एक्सरे करा लीजिए, कोई रोग नहीं, लेकिन भोजन करते हैं शरीर को लगता नहीं। यानी आप दिन रात पढ़ते हैं, आपको पढ़ने वाला जो भाव है वो ये बताता है कि आप पूरी प्रिपरेशन में है, लेकिन जैसे उसके सवाल का सामना करते हैं लगता है यार हम तो रोगग्रस्त हैं, अभावग्रस्त। वही मूल अधिकार जो दिन रात रटे थे उसी का सवाल नहीं समझ में आ रहा, वही अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से हमने इसको यहां वहां से रौंदा था समझ में नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब है कि जो सिस्टम है उसको आप फूट फाट करके गड़बड़ करने से बजाय इसमें रमे रहिए, इसलिए कि आपको जानकारी है। जैसे लोग कहते हैं यार चलो देखा जाएगा, एक वर्ड ये भी है कि चलो देखा जाएगा, है ना। कॉम्पिटिशन में अगर बहुत अच्छा आपका सोच है तो बच्चा पहले प्रिपरेशन करो फिर फॉर्म भर, फॉर्म भर को भरोगे फिर प्रिपरेशन करोगे तो सिलेक्शन नहीं, पहले प्रिपरेशन फिर फॉर्म भरिए, उसके बाद देखिए सिलेक्शन का नजारा।